अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वॉलनट ग्रूमिंग चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो यार एक बात मैं बताऊँ कि फियर इज़ नथिंग बट लैक ऑफ फेथ। ठीक है, जो आपका डर है किसी चीज़ में वो कुछ भी नहीं है। अगर आपका ईमान कमज़ोर है, आपकी फेथ कमज़ोर है, तो आपको डर लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग समझते हैं ना कि यार ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, तो यार साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वेल बिगिन इज़ हाफ डन। ठीक है, अगर आपने अच्छी शुरुआत कर दी है तो उस काम का आधा हिस्सा समझ लो आपने कर दिया है। तो इस वजह से यार ये नहीं सोचना कि अभी मेरी तैयारी नहीं है, इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे हम और अच्छा क्लियर करेंगे। कहते हैं मेरिट लिस्ट में ज़रूर आएंगे और मेरिट वाला पेपर जो है ना हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 356, दोआब बिटवीन रिवर रावी एंड चिनाब इज़ कॉल्ड। आंसर, रचना दोआब। अभी एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि ये दोआब क्या चीज़ होती है। ठीक है, दो दरियाओं के बीच की जो होती है ना ज़मीन, ठीक है, उसको कहते हैं दोआब। ठीक है, अभी जिस तरह रावी और चिनाब के दरमियान का जो एरिया है ना, लैंड एरिया, ठीक है, उसको कहते हैं रचना दोआब। इसी तरह सतलज और किसी और दरिया के दरमियान का जो एरिया होगा उसको भी दोआब कहेंगे, लेकिन उसका भी कोई स्पेसिफिक नेम होगा। अगला क्वेश्चन 357, हु सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्रॉम सिंध प्रोविंस बाय। आंसर, अब्दुल्ला हारून। क्वेश्चन नंबर 358, सी एच रहमत अली कॉइंड वर्ड पाकिस्तान इन नाउ और नेवर पैम्फलेट इन। ठीक है, नाउ और नेवर एक किताबचा था जो कि रहमत अली ने लिखा था। ठीक है, आगे आंसर 1933। ये भी क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी रिपीट किया है कि नाउ और नेवर किसने लिखा था, सी एच रहमत अली ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 359, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन अफ्रीका बाय पॉपुलेशन इज नाइजीरिया एंड अल्जीरिया इज लार्जेस्ट। आंसर, मुस्लिम कंट्री बाय एरिया। ठीक है, ये जो हैं मुस्लिम कंट्रीज हैं एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी। क्वेश्चन नंबर 360, श्रीलंका इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम अमंग। आंसर, सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्रीज का आपको पता होगा, सार्क जो है एक इसका एब्रीवेशन है, यार कंफर्म नहीं है, साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉरपोरेशन शायद ही है, कंफर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 361, बख्तर इज़ अ न्यू एजेंसी ऑफ। आंसर, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 362, ITAR-TAWS इज़ अ न्यू एजेंसी ऑफ रशिया। ये दो अलहदा रशिया हैं। ठीक है, और इसी तरह एक और मुल्क की भी दो अलहदा एजेंसियाँ थी, एक थी माज और एक थी कुछ और। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक एजेंसी के दो नाम थे। तो वो भी इंशाल्लाह MCQs आएगा, आगे होगा मेरे पास, अभी तक तो नहीं आया पिछले MCQs में, तो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 363, अरैया समाज वाज फाउंडेड इन। आंसर, 1875 बाय दयानंदा सरस्विता। क्वेश्चन नंबर 364, ओल्ड मैन एंड द सी वाज रिटन बाय, किसने लिखी। आंसर, हेमिंगवे। क्वेश्चन नंबर 365, बुर्मा इज द ओल्ड नेम ऑफ। बुर्मा जो है पुराना नाम था किसका, म्यांमार का। क्वेश्चन नंबर 366, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश इन 1886 बाय। आंसर, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 367, पाकिस्तान लाइज ऑफ द ट्रॉपिक जोन ऑफ। आंसर, नॉर्थ, ट्रॉपिक जोन ऑफ नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 368, वेन्स इज कॉल्ड। आंसर, सिटी ऑफ कैनाल्स। क्वेश्चन नंबर 369, रियल नेम ऑफ टीपू सुल्तान वाज। आंसर, फतेह अली। क्वेश्चन नंबर 370, लुफ्थांसा इज द नेम ऑफ। आंसर, एयरलाइन ऑफ जर्मनी। ये बहुत ज़रूरी है लुफ्थांसा, एक और भी एयरलाइन का नाम आ रहा था लेकिन अभी वो भी जहन में नहीं है। आंसर 371, क्वेश्चन नंबर 371, मोनाको हैज़ द शॉर्टेस्ट एंड कैनेडा हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कंट्री इन द वर्ल्ड। कोस्ट लाइन कंट्री मतलब कि इसके जो बॉर्डर्स हैं ना वो बहुत बड़े हैं। ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री है बॉर्डर के हिसाब से, सबसे ज़्यादा जो है ना ये कोस्ट लाइन होती है सतह समुंदर के साथ जो है ना एरिया, तो सतह समुंदर के साथ का एरिया कैनेडा का बहुत ज़्यादा है, जिस तरह हमारी कोस्ट लाइन है जो कराची वाली साइड पर है। ठीक है, कोस्ट लाइन कहते हैं के सत्ता समुंदर के साथ लगने वाला एरिया। क्वेश्चन नंबर 372, लैंड ऑफ मैपल लीफ इज द निकनेम ऑफ। आंसर, कनाडा। ये आप याद रख लें, कनाडा के फ्लैग पे जो है ना पत्ता बना हुआ होगा। ठीक है, लैंड ऑफ मैपल लीफ कनाडा। क्वेश्चन नंबर 373, सिक मैन ऑफ यूरोप इज कॉल्ड टर्की।
क्वेश्चन नंबर 374, यंगत्स किंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ आंसर एशिया, कहाँ पे है? चाइना में। क्वेश्चन नंबर 375, शेयर ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान बाई एरिया इज, आंसर 25% जो है पंजाब है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 376, इब्ने बतूता केम इन इंडिया फ्रॉम, आंसर मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 377, लाइकर नेहरू लियाकत नेहरू पैक्ट ऑन, आंसर अप्रैल 8, 1950। क्वेश्चन नंबर 378, पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ, पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ, आंसर टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 379, आफ्टर यूएसए आर्म्स एक्सपोर्टर रशिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ, आंसर आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 380, काहूटा लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश्ड इन, आंसर 1976। क्वेश्चन नंबर 381, न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन, आंसर इन 1972 विद द हेल्प ऑफ, आंसर कनाडा। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं KNUP, ठीक है। ये किसकी मदद से बनाया गया था? कनाडा की मदद से। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम और MCQs पढ़ेंगे, और तैयारी करते रहिए। दुआ कीजिएगा अपने लिए भी, सबके लिए दुआ कीजिएगा कि सारे अल्लाह पाक कामयाब करें और सबको सेहत दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।